ये तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में बता ही गया किसकी कौन हार का कौन जिम्मेवार है, लेकिन जी कहीं जहां राहुल अदास है तो उदा निराश है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, एग्जिट पोल जो है वो पूरी तरह से कांग्रेस के हक में जाते हुए नजर आए। सभी एजेंसियों ने, सभी न्यूज चैनल्स ने जो समीकरण थे, जो आंकड़े थे, वो कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल था वो कांग्रेस की फेवर में दिखाया। लेकिन आखिरी दिन जैसे ही परिणाम आते हैं, नतीजे आते हैं, तो सारे के सारे जो एग्जिट पोल हैं धाराशाही हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होती है और हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए खड़ी हो जाती है। पिछले दिनों राहुल गांधी पार्टी हाईकमान ने मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर एक मीटिंग बुलाई जिसमें हरियाणा की जो हार है उस पर समीक्षा की और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो गठन करने की बात की कि हरियाणा की हार के पीछे के कारण क्या हैं, किन कारणों से जो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी है वो हारी है। लेकिन उसमें हरियाणा के जो दिग्गज नेता रहे हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो या कुमारी शैलजा की बात करें, वो नदारद रहे, वो कहीं नजर नहीं आए। क्या उनको इस मीटिंग में बुलाया नहीं गया या वो जानबूझकर नहीं आए? आइए इस पर बात करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो हरियाणा की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि इसके पीछे के क्या कारण रहे हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। मेहरा साहब, पिछले दिनों जो कांग्रेस हाईकमान उन्होंने दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास स्थान पर एक मीटिंग की, मीटिंग में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है गठन करने की बात की कि हरियाणा में हार के पीछे क्या वजह रही, क्या कारण रहे। लेकिन उसमें एक बड़ी बात यह रही कि हरियाणा के जो दिग्गज नेता हैं, चाहे भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, कुमारी शैलजा की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, कोई भी नजर नहीं आया, उनको बुलाया नहीं गया या वो जानबूझ कर नहीं आए, क्या कारण आपको नजर आते हैं? देखिए, बुलाने और ना बुलाने का जो हमारे पास सभी जो हमें खबरों से पता चला है कि अजय माकन जो कांग्रेस के लीडर हैं उन्होंने क्लियर किया है कि हरियाणा के किसी भी नेता को इस जो मीटिंग हुई है, जो खड़गे साहब के निवास पे जो मीटिंग हुई है उसमें हरियाणा के किसी नेता को बुलाया नहीं गया। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो दीपक बाबरिया हैं हरियाणा के प्रभारी हैं कांग्रेस की तरफ से, वो कहीं ना कहीं मीटिंग में जो ऑनलाइन जुड़े हैं और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की है, राहुल गांधी से बात की है और जो उस मीटिंग में जैसा आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी भी उस मीटिंग में थे, खड़गे साहब उस मीटिंग में थे और केसी वेणुगोपाल मीटिंग में थे और उधर जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी वो उस मीटिंग में उपस्थित रहे हैं। उस मीटिंग में ये तो जानकारी कहीं ना कहीं बाहर आई है कि राहुल उस मीटिंग में बहुत हताश थे, हरियाणा के जो चुनाव परिणाम है उनको लेकर बहुत हताश थे और कहीं ना कहीं उनको गुस्सा कहीं ना कहीं जाहिर भी किया उन्होंने और गुस्सा जाहिर करते हुए ये भी कहा कि जो ये हरियाणा के जो चुनाव में अप्रत्याशित जो कांग्रेस के लिए परिणाम आए हैं जी, इन पे समीक्षा करने के लिए, कांग्रेस की हार की समीक्षा करने के लिए वो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएंगे और वो जो कमेटी है वो निर्णय करेंगे। इस कमेटी में देखने वाली बात है कि इस कमेटी में हरियाणा के नेता होंगे या बाहर के नेता होंगे। हरियाणा के अगर नेता इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो एक पक्ष के प्रति, जो दो तीन पक्ष हरियाणा में गुट हैं उनके प्रति कहीं ना कहीं बायस्ड होंगे। मुझे लगता है इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में हरियाणा से बाहर के सदस्य जो बाहर के नेता हैं वो निश्चित रूप से वो लिए जाएंगे ताकि एक निष्पक्ष रूप से एक निर्णय पर पहुंचा जा सके और निष्पक्ष रूप से वो एक समीक्षा करके और उनकी रिपोर्ट जो कांग्रेस हाईकमान है उनके पास सौंप सके। लेकिन ये जरूर है कि राहुल गांधी बहुत ही उस हरियाणा की सहार से बहुत ही हताश हैं, जो उनकी दिल्ली पर जो जीत आई हुई थी वो कहीं ना कहीं बदल गई, जीतते हुए एकदम से हार गए, हार में बदल गई और उससे जो हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनकी जिम्मेवारी थी कांग्रेस पार्टी को जिताना, जिनको
75 से और 80 के बीच में उनके समर्थकों को टिकट कांग्रेस पार्टी ने दी थी, उनकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी उनकी थी, साथ लेकर सबको चलना, सब एक जातीय समीकरण का साधना, सारी की सारी उनकी जिम्मेवारी थी। हालांकि ये तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बताएगी कि किसकी कौन हार का कौन जिम्मेवार है, लेकिन हुड्डा भी बहुत इससे निराश है। जी, जहां राहुल उदास है तो हुड्डा निराश है। राहुल गांधी ने कहा कि जो नेता थे कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी से बढ़कर अपने हितों के बारे में सोचा, ये इशारा किसकी ओर है? कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर तो नहीं इशारा ये? बिल्कुल, राहुल गांधी ने सीधा सीधा कहा है ये कि हरियाणा में नेताओं का जो हित है पार्टी से ऊपर रहा है, इसी वजह से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की ये जो हार हुई है इसी वजह से हुई। हालांकि ये तो सबको जग जाहिर है कि पूरी की पूरी जिम्मेवारी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी, क्योंकि उनकी जो समर्थन में उनके समर्थकों को जो थे 75 से 80 के बीच में उनको समर्थकों को जो टिकट दी गई थी, निश्चित रूप से उनको साथ लेके चलना था। जो दूसरे जो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में दो तीन गुट रणदीप सुरजेवाला हैं, कुमारी सैलजा हैं, लेकिन वो बार बार नाराजगी ये जताते रहे हैं कि रणदीप सुरजेवाला भी और कुमारी सैलजा भी कि उनको साथ लेकर नहीं चला गया, कोऑर्डिनेशन की कहीं ना कहीं कमी रही है। उन्होंने कुमारी सैलजा ने तो यहाँ तक कहा कि कहीं दीपक बाबरिया से मेरी बात मुझे नहीं पता लगता, दीपक बाबरिया और भूपेंद्र हुड्डा से कहीं हमारी अभी नजदीक भविष्य में बात हुई होगी। इस तरह से अगर कांग्रेस पार्टी के नेता ही अगर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बढ़ाएंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं? ये तो एक जाहिर सी बात है, किसी भी अगर टीम वर्क जो होता है उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो निश्चित रूप से उस टीम की हार निश्चित है। निश्चित है, बिल्कुल ठीक करें। देखिए, बिल्कुल आप ठीक करें। अगर कुमारी सैलजा की बात करें, वो दोष प्रतिदोष की बात करते रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक बयान दिया कुमारी सैलजा, उन्होंने कहा कि पार्टी में जो है वो राज्य में जो है हरियाणा की बात करें तो पार्टी को सींचा नहीं गया और तालमेल नहीं रखा गया और सबको साथ लेकर लेके जाने की जिम्मेवारी किसकी थी? मतलब ये सब क्या वो भी जो पूरी तरह से दोष है भूपेंद्र हुड्डा पर लगा रहे हैं या पार्टी हाईकमान की बात कर रहे हैं वो? निश्चित रूप से जो जिस कांग्रेस हाईकमान ने जिसको जिसको प्रदेश में पार्टी को जिताने की जिम्मेवारी दी गई थी वो उन्हीं की तरफ इशारा है उनका, कुमारी सैलजा का भी, क्योंकि जो भी एक जो प्रचार के लिए कमेटियों का गठन करना था और किन किन को प्रचार में शामिल करना है, किन नेताओं का किस इलाके में सहयोग लेना है, पार्टियां कौन नेता कहाँ किस जो क्षेत्र में पार्टी प्रचार के लिए जाएगा और किसको साथ लेके चलना है, किसको नहीं चलना है, किसको कहाँ भेज, ये सारी की सारी जिम्मेवारी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी, मुझे लगता है कुमारी सैलजा का जो इशारा है वो भी निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ है। इस हार के बाद और ऊपर से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है गठित हो रही है, उसके बाद क्या लगता है कि हरियाणा की जो कांग्रेस है उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं? निश्चित रूप से राजेंद्र जी, मान के चलिए कि जो हम पहले भी कहते आए कि जो कांग्रेस पार्टी की जो जीत उनकी दहलीज पे आई हुई थी और उन्होंने ठोकर मार दी और उनको हार में बदल दिया, इसका ही कहीं ना कहीं जिम्मेवारी तय होगी, चाहे दीपक बाबरिया की हो जी की हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हो या दूसरे नेताओं की हो, इनकी जिम्मेवारी तय होगी और हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी के समीकरण है कहीं ना कहीं बहुत ऊंचे स्तर पर बदलने की संभावना, उलटफेर हो सकता है, उलटफेर हो सकता है उनके। जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये उलटफेर संभावित है। सो दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस की हार के क्या कारण रहे हैं, इसके ऊपर राहुल गांधी ने एक मीटिंग बुलाई, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो गठित की और जानने की कोशिश करेंगे कि हार के कारण क्या रहे हैं। हो सकता है कि हरियाणा की जो कांग्रेस है उसके जो जो प्रतिनिधि हैं उनकी जो है उसमें फेरबदल हो जाए और एक नई कमेटी गठित करके हरियाणा में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की कोशिश की जाए। खैर, आने वाले समय में कांग्रेस क्या करती है, अभी तो खैर कांग्रेस को 5 साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए। न्यूज अपडेट देखने के लिए देखते रहें अर्थप्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।